नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक के राशिफल की। बताएंगे आपको कैसा रहेगा पूरे सप्ताह आपका राशिफल सितारों की चाल के मुताबिक, और सितारों के मुताबिक आपका भविष्यफल आपको बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका भविष्य पूरे सप्ताह 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। और सबसे पहले बात सबसे पहली राशि की, मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि के सितारे क्या कहते हैं पूरे सप्ताह के लिए? मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में मतलब रविवार के दिन आपके अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, और अष्टम का चंद्रमा एक तो नीच राशि का है, दूसरे अष्टम में है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह का शुरुआत मतलब रविवार का दिन और सोमवार का दिन यह मानसिक चिंता का भरा हुआ दिन है। किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं। हाँ, दो बातें अच्छी भी हैं आपकी कुंडली में इस सप्ताह। क्या अच्छी हैं? एक तो दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं से धन देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की ये जो परस्पर जो स्थिति बन रही है, यह आपको धन देने वाली है। चंद्र मंगल युति धन देती है, तो आप अपनी फसलों का अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई अभी तक अपनी फसलें नहीं बेचे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी फसलों का अच्छा दाम उन्हें इस सप्ताह मिल सकता है, बुधवार और गुरुवार के दिन। हाँ, इस सप्ताह एक बात आप जरूर ध्यान दें कि कोई मकान का निर्माण कार्य न करें, मकान में धन ना लगाएं, आपको वो थोड़ा सा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है भूमि भवन के काम में। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 8 और शुभ रंग है नीला। अगली राशि की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, आप अपना भविष्य जानने के लिए चिंतित हैं और चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आपको उसका समाधान मिले, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। अपने डिटेल्स में आपको लिखना होगा अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, सवाल के साथ हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि यह सप्ताह उनके लिए सबसे अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि एक तो लग्न में मंगल है, ऊपर चंद्रमा की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो कुल मिलाकर के मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, अपने काम में खुश रहेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और चूंकि चंद्रमा की नीचस्थ स्थिति के सप्तम भाव में है, इसलिए थोड़ा सा जीवन साथी इन्हें परेशान कर सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य इनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए शिव जी की थोड़ी सी आराधना यदि कर ली जाए तो यह समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। रही बात संतान की, तो पंचम में बृहस्पति गोचर कर रहा है वर्तमान में, इसलिए संतान भी आपको प्रसन्नता देंगे, संतान से भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 7 और शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। तो वृषभ राशि वालों का शुभ अंक 7 है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है। अगली राशि की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको समस्या है, आप अपनी बात किसी के सामने कह नहीं पाते, आत्मविश्वास की आप में कमी है, बोलना चाहते हैं लेकिन सामने जाते ही लगता है कि आप उसके सामने नहीं बोल पाएंगे, क्यों ये समस्या होती है, कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर होता है जब आपको ये परेशानी होती है, और क्या समाधान इस समस्या का हो सकता है, ज्योतिष के मुताबिक सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगली राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल भी बताएं। मिथुन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इनके एकादश भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि के ऐसे लोग जो अध्ययन अध्यापन से अपनी जीविका चला रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, काफ़ी धन आपको मिलने वाला है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। हाँ, रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है। उसका कारण यह है कि आपके तृतीय भाव में राहु है, इसलिए थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा, श्रम अधिक करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करने के पश्चात ही आपको अपनी फसलों का सही मूल्य इस सप्ताह मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। खास करके शुक्रवार के दिन जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, मतलब आपके सातवीं राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा, तभी किसान भाइयों के लिए कुछ सुखद समाचार मिलने की आशा है। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 6 और शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी। तो मिथुन राशि वालों का शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपका गुलाबी है, लेकिन किसानों को इस सप्ताह करनी होगी थोड़ी मेहनत, और मेहनत के बाद ही उन्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि
कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि के सितारे कैसे रहेंगे पूरे सप्ताह 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक? कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि यह सप्ताह उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। उसका कारण है कि उनकी राशि का स्वामी चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही नीच राशि में गया हुआ है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, और इसलिए उन्हें मानसिक उन्माद की स्थिति आ सकती है। किसी के ऊपर अतिरेक क्रोध कर सकते हैं जिसका उन्हें पश्चाताप बाद में करना पड़ सकता है। इसलिए क्रोध की अतिरेक से बचें, अधिक क्रोध आप ना करें, अपने मन को शांत रखें। दूसरी बात हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान भाई धैर्य रखें, निश्चित रूप से उनके फसलों का अच्छा मूल्य मिलेगा और ये सप्ताह उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है, कुछ भी बुराई नहीं है। आप सिर्फ अपना कार्य करते जाइए, ईश्वर आपकी श्रम का फल आपको अवश्य देगा। हाँ, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो उनको बताऊं कि इस सप्ताह उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, सफलता मिलने के पूरे योग है। इस सप्ताह शुभ अंक कर्क राशि वालों के लिए है 5 और शुभ रंग है लाल। दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपका लाल है। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये सप्ताह और भी उत्तम साबित होगा। हाँ, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये सप्ताह पहले से ही काफ़ी बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि का राशिफल भी बताएं। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। सूर्य कहीं न कहीं नवम भाव में जाकर के भाग्य को भी बल दे रहा है, इसलिए भाग्य संबंधी जितनी भी अड़चने हैं वो सब दूर हो जाएगी, भाग्य के सहारे सारे काम आपके बनते जाएंगे। दूसरी बात, परिवार में थोड़ी सी आपको जो कठिनाई अनुभव हो भी रही थी वह भी बुधवार से ठीक हो जाएगी। परिवार आपके पीछे खड़ा है, आप जो भी कार्य करेंगे उससे पूरा परिवार आपका पूर्ण रूप से साथ और सहयोग देगा। तीसरी बात, इस सप्ताह आपकी पत्नी के लिए थोड़ा सा, आपके जीवन साथी के लिए, यदि आप महिला हैं तो आपके पति और पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के लिए तनाव भरा हो सकता है, थोड़ा उन्हें मानसिक दुख होगा। इस संकट की घड़ी में उनका थोड़ा साथ दें। इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है नीला। सिंह राशि वालों का शुभ अंक 4 है, शुभ रंग आपका नीला है। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो सप्ताह आपका और बेहतर हो सकता है। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी की राशियों की। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों होती है व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, कुंडली का कौन सा ग्रह होता है जो प्रभावित करता है जब व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, और क्या आप बेहतर कर सकते हैं इस आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सितारों के मुताबिक कैसा रहेगा आपका भविष्यफल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि के सितारों की चाल कैसी रहेगी पूरे सप्ताह? कन्या राशि के अपने दर्शकों को बताऊं, कन्या राशि का वैसे भी सब प्रकार से अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि लग्न में ही बृहस्पति गोचर कर रहा है। एक और अच्छी बात हुई है इस सप्ताह, वो ये है कि आपके सप्तम भाव में शुक्र गोचर कर रहा है, जो कि उच्च राशि है, उसकी मीन राशि में गोचर कर रहा है। इसलिए हमारे ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक अपना फसल नहीं बेचा है वो इस सप्ताह जरूर बेच दें, क्योंकि उनकी सोच से अधिक मूल्य उन्हें मिलने वाला है, और उन्होंने अपने पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी व्यापार के लिए, कृषि के लिए कर्ज इत्यादि लिया है वो समस्त कर्जों से मुक्ति पा जाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज, चाहे साहूकार का कर्ज हो, चाहे बैंकों का कर्ज हो, जितने भी कर्जे आपके ऊपर हैं उन तमाम कर्जों से आप मुक्त होने वाले हैं। रही बात आपके संतान की, हाँ, संतान थोड़ा चिंता का विषय हो सकते हैं, उसका कारण है कि पंचम में शनि का गोचर करना, इसलिए संतान के प्रति थोड़ा चिंता आप रखें, उनका खास ख्याल रखें। हाँ, इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है आपका पीला। तो कन्या राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि संतान के प्रति थोड़ा चिंतित आपको होना पड़ेगा, उनका ध्यान आपको रखना होगा। और किसानों के लिए खास ये है कि अगर इस सप्ताह आप अपनी फसल बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा ज़रूर होगा। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति में कब होती है, कुंडली का कौन सा ग्रह कमज़ोर होता है जब आप में आत्मविश्वास कम होता है। पंडित जी,
कई लोगों में अक्सर होता है, अधिकतर लोगों में ये परेशानी होती है कि आत्मविश्वास बहुत कम होता है। अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, सोचते रह जाते हैं। किसी ग्रह का प्रभाव होता है, कब ये समस्या व्यक्ति में होती है? देखिए स्मिता जी, इसके लिए हमारे पराशर जी ने बहुत स्पष्ट लिख दिया है। वो लिखते हैं कि आत्मा वही दिन कृतो यत्र। तो हमारी आत्मा का जो कारक है, जो दिन का कारक है, वही आत्मा का कारक है। तो दिन होता है सूर्य की वजह से, तो कहीं ना कहीं सूर्य ही आत्मबल को मजबूत या कमजोर करने का कारण है। इसलिए जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो, किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो, खास करके ग्रहण दोष में फंसा हुआ सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ अगर विद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास का स्तर बहुत नीचे होता है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार में भी उपेक्षित हो जाता है। समाज में तो उपेक्षित होता ही है, वह परिवार में भी उपेक्षित रहता है सदैव, और अपनी बातों को कह नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है, इनको किसी का प्रेम भी नहीं प्राप्त होता है, किसी से अपने दर्द को, अपने कष्ट को ये लोग कह भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सूर्य का उपाय निश्चित रूप से हर उस इंसान को करना चाहिए जिसके अंदर सूर्य के कारण से आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए आप सूर्य के उपाय को करें, सूर्य को प्रसन्न करें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, परिवार में जो आप उपेक्षा के शिकार हैं वह भी समाप्त हो जाएगा, आपको हर जगह सहानुभूति, प्रेम, करुणा, आप सबके जो है प्रेम के पात्र बन जाएंगे। यानी जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी आती है। क्या खास उपाय हो सकते हैं आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के? अगर आप में ये समस्या है, आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, तो कैसे आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, क्या उपाय आप ज्योतिष के मुताबिक कर सकते हैं, बताएंगे आपको। कॉपी कलम लेकर बैठिए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का राशि फल भी बताएं। तुला राशि के दर्शकों को बताऊं कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, वृश्चिक का चंद्रमा। कहीं ना कहीं आपका मन अशांत है, किसी के ऊपर बहुत क्रोध है आपको, क्रोध शांत करिए, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। एक अच्छी बात यह है कि आपके छठे भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, और लग्नेश जब छठे जाता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है। ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं IAS PCS का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करिए, आपका लाभ का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। तो तुला राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका सफ़ेद है। और विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए खास बात यह है कि इस सप्ताह जो भी परिणाम आएंगे आप उनमें सफल जरूर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। पंडित जी, वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक? वृश्चिक राशि के दर्शकों को बताऊं कि एक तो लग्न में ही चंद्रमा नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद की गलतियों की वजह से ये मुश्किल का सामना करेंगे। कुछ इन्होंने भूतकाल में से काम किए हैं जिसका नुकसान अब इन्हें उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह हमारे किसान भाई जो भी अपनी फसलों का आप विक्रय कर रहे हैं, बेहिचक आप करिए, आपको अच्छा मुनाफा इस सप्ताह अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह कतई ना करें, और आपका मूल्य भी आपको सही समय पे मिलेगा, आपकी फसलों का भुगतान सही समय पे हो जाएगा। हाँ, इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 1 और शुभ रंग आपके लिए है लाल। तो वृश्चिक राशि वालों का शुभ अंक 1 है और शुभ रंग आपका लाल है। अगली राशि की चर्चा करें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली के बारे में पंडित जी से कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप लिखना ना भूलें अपने सवाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि के सितारे कैसे रहेंगे पूरे सप्ताह? धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा इन्हें अर्थ का संकट झेलना पड़ सकता है, थोड़े से खर्चों की अधिकता है, लायबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा पैसों की किल्लत महसूस होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब धनु राशि में चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आपके चतुर्थ भाव में चूंकि इस समय उच्च का शुक्र गोचर कर रहा है, इसलिए परिवार का सुख मिलेगा, नई संपत्ति खरीदेंगे, वाहन भी खरीद सकते हैं इस सप्ताह, इन सब चीज़ों में आपको लाभ दिखाई दे रहा है, लाभ आपको मिलेगा। हाँ, इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए है सुनहरा।
तो धनु राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। ये दोनों चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सप्ताह और भी अच्छा बीतेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको बाकी की राशियों का हाल, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे करें आप अपना आत्मविश्वास मजबूत। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, तो ज्योतिष के मुताबिक क्या उपाय आप कर सकते हैं, कौन सा मंत्र आप जप सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाए। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक के राशिफल की। बता रहे हैं आपको सितारों के मुताबिक कैसी रहेगी आपकी राशियों की चाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? मकर राशि के लिए तो अच्छा समय है, क्योंकि उनके भाग्य भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है। जब भाग्य भाव में बृहस्पति होता है तो भाग्य संपूर्ण रूप से सहायक होता है। हाँ, इतना जरूर है, मैं किसान भाइयों को सचेत करना चाहूँगा कि सप्ताह थोड़ा सा रुक करके भी कोई व्यावसायिक निर्णय लें, खास करके रविवार, सोमवार और मंगलवार। इन 3 दिनों के भीतर कोई भी अपनी फसल आप विक्रय ना करें, ना बेचें, किसी के बहकावे में ना आए, थोड़ा सा धैर्य रखें। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 3 दिनों में यदि आपने फसलों का विक्रय कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा और आपको संतोष होगा, क्योंकि आपकी जो भी व्यवसायिक योजना है वह तमाम योजनाएं आज पे ही निर्भर करेंगे। यदि आज आपके हाथ में अच्छे पैसे होंगे तभी आप भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस सप्ताह शुभ अंक मकर राशि वालों के लिए है 2 और शुभ रंग आपके लिए है सफेद। तो मकर राशि वालों का शुभ अंक 2 है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है। दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सप्ताह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, शायद वो थोड़ी कम ज़रूर होंगी। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना आत्मविश्वास मजबूत कर सकते हैं, क्या आप उपाय कर सकते हैं, कौन सा मंत्र आप जप सकते हैं ज्योतिष के मुताबिक। पंडित जी, अभी हमने चर्चा की पिछले सेगमेंट में कि कैसे ये परेशानी होती है व्यक्ति को। आपने बताया कि सूर्य अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति को ये समस्या होती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, कोई मंत्र जो जपा जा सके? देखिए, सूर्य के वैसे तो तमाम मंत्र हैं, तमाम उपाय हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को तमाम मुश्किलों से मुक्त करते हुए बहुत साधारण, बहुत आसान उपाय बता देता हूँ। एक तो जिसकी कुंडली में सूर्य नीच का हो, एक आदत बना लें, कभी भी सूर्योदय के बाद ना सोएं, सूर्योदय के पहले ही अपना बिस्तर छोड़ दें और संपूर्ण आलस्य का त्याग कर दें और अपने आप को बिल्कुल सूर्य के सामने 8 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। मतलब आप सूर्य को सीधे अपनी आंखों से देखें तो आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। बहुत आसान उपाय है। दूसरा, यदि आप मंत्र का जप कर सकते हैं तो मंत्र बता देता हूं, उसे आप नोट कर लें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। एक उपाय और, जो शायद आप करते भी हों लेकिन उसका फल नहीं जानते हों, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो लोग सूर्य को नहाने के पश्चात अर्घ देते हैं, निश्चित रूप से वो सूर्य देव के कृपा के पात्र बनते हैं। संपूर्ण सृष्टि में सूर्य ही ऊर्जा का कारक है, तो आप जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो सीधे सीधे आप सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जब आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे, आपके शरीर के अंदर सीधे सूर्य की ऊर्जा प्रवेश करेगी, तो आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से मजबूत होगा। सूर्य को अर्घ देते समय आप ध्यान रखें, उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी हल्दी, दुर्वा इत्यादि चीज़ें आप डाल लें, तो आप देखेंगे कि आपका ये उपाय ज़्यादा असरदार होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। जी, तो अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपका आत्मविश्वास डगमगाता है किसी से अपनी बात कहने में, तो ये जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, तमाम उपाय आप ज़रूर अपनाएं, आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी ज़रूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि के सितारे कैसे रहेंगे पूरे 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक? कुंभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह में काम में अड़चन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके दशम भाव में नीच का चंद्रमा गोचर कर रहा है। सप्ताह के शुरुआत में आपकी नौकरी में बाधा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आपके द्वितीय भाव में उच्च का शुक्र है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। मतलब शुक्र और बृहस्पति का योग कहीं ना कहीं कुंभ राशि के उन लोगों के लिए जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छा समय है। आपका विवाह तय हो सकता है और ख़ास करके इस समय जो रिश्ता होगा बहुत सुंदर रिश्ता होगा, बहुत अच्छा जीवन साथी आपको मिलने वाला है। इस सप्ताह
आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और बुध गुरु और शुक्रवार मतलब सप्ताह के मध्य के बाद आप अपने काम में देखेंगे कि आपको आशातीत सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए सप्ताह के शुरुआत का जो आपकी चिड़ है वह मध्य के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 1 और शुभ रंग है आपके लिए लाल। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है। और कुंभ राशि के अविवाहितों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप विवाह करने वाले हैं तो आपको विवाह की तमाम अड़चनें इस सप्ताह खत्म होंगी, विवाह आपका जल्द होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। पंडित जी, सबसे लंबा इंतजार मीन राशि का होता है, मीन राशि का राशिफल भी बताएं। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला सा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो लग्न में ही उच्च का शुक्र है, इसलिए इनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, मतलब स्वास्थ्य भी रहेंगे, तमाम चीज़ें जीवन में अच्छी हो रही हैं। खास करके किसान भाई बहुत प्रसन्न हैं, जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें हो रहा है। तमाम जो आर्थिक संकट अभी किसान भाई झेल रहे थे पिछले 2-3 महीने से, वह उनका समाप्त हो गया है और लमसम उनका जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन इस सप्ताह यात्राएं आपको दुख दे सकती हैं। इस सप्ताह हो सके तो सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन आप कतई यात्रा ना करें, खास करके लंबी यात्रा। यात्राओं से बचेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है आपके लिए पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो मीन राशि वालों के लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका पीला है। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, सबसे बेहतर राशिफल मीन राशि वालों का है। एक सलाह बस ये है कि आपको यात्राओं से बचना है, अगर यात्राएं करते भी हैं तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। 12 राशियों का कैसा राशिफल रहेगा 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक, सितारों की चाल के मुताबिक पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी में आकर हमारे दर्शकों को ये जानकारियाँ देने के लिए। जी धन्यवाद। जी फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। अगर आप इस कार्यक्रम में पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ज्योतिष के मुताबिक कैसा रहेगा आपका भविष्य, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो अपने सवाल के साथ आप अपना जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।